अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक्स्ट्रा देसी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। कल वाला टाइम है, कल इसी टाइम पर मैंने व्लॉग बनाया था। आज दो घंटों से तकरीबन मैंने जो है ना अपने जो हैं सब्सक्राइबर उनकी वीडियो देखी है, जिन्होंने कमेंट की थी मेरी वीडियो पर। और गुजारिश है कि जो बंदा वीडियो देखे कमेंट लाजमी करे। फिर इससे ये होता है कि मुझे पता होता है कि फलां आदमी मेरी वीडियो पे आया था और मुझे वहां पे जाना ही जाना है। ठीक है, यानी कि आपसे गुजारिश है, आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर किया करें। अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लिया करें। ठीक है, तो मुख्तसर ये कि ये देखें, कल आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे गट्ठे बंधे हुए थे, लेकिन यहाँ जो है उन्होंने मशीन लगाई थी ये जमीन वालों ने, और इसका जो है भूसा निकला पड़ा है और वो दाने ले गए हैं घर पर। और इस तरफ जो है वाइपर लगा हुआ है और वो गंदम की कटाई कर रहा है। अगर हो सका तो मैं करीब जाऊंगा, कोशिश करूंगा कि ज़्यादा करीब ना जाऊं, क्योंकि इससे जो उठने वाली धूल है ना वो मेरे लिए और बहुत ही यानी कि बैड साबित होती है, उससे तबीयत ख़राब हो जाती है। अभी वो देख रहे हैं, मैं करीब जाकर दिखाता हूँ आप। ये हैगा पानी खला, ये रखा ट्रैक्टर, पॉल्यूशन, अब ये देखें ये ताज़ी ताज़ी जो है ना कटाई हो रही है गंदम की। वो देखें यहाँ पर गंदम कुछ ख़ास नहीं है, जिसकी वजह से कटाई में जो है ना काफ़ी नुकसान सा हो रहा है, यानी कि कटाई ठीक तरह से कर नहीं रहा शायद। ये देखें यहाँ पर भी इसने ना कुछ ख़ास नहीं की, नज़र आ रहा है आपको। ये देखें इस तरफ जो है ना गंदम ज़्यादा थी तो बहुत अच्छे से कटाई हो गई। ये देखें अच्छे से कटाई हो गई। अभी मैं आपको वेपर दिखाने वाला हूं जिससे गंदम की कटाई हो रही है, तो थोड़ा सब्र रखें। धूल की मैंने फिक्र नहीं की, आ गया हूं इससे, मैं सोचा कि क्या करें, धूल तो आती रहती है। हैं अपना हाथ हिला देना, बाय बाय आला। एक ये मसला बने भाई जान, छोटी गंदम थी फंस गई। ओके ओके, छोटी गंदम थी फंस गई, अभी बड़ी होगी तो वो नहीं फंसेगी, तो इंशाल्लाह जबरदस्त जाएगा। अभी अभी ये शायद ऊपर बैठने वाले हैं और ड्राइव करेंगे, तो फिर देखते हैं क्या करता है ये। ओके, तो हम यहाँ शायद पे खड़े होते हैं। अभी फिलहाल तो गंदम सही काट रहा है और धूल तो आपने देखी थी कितनी ज्यादा थी, है ना। अच्छा, अभी इस और टॉपिक बदलते हैं। क्या है कि बहुत मजा आया, यहाँ आपने देखा कि गंदम की कटाई हो रही है और देखा आपने, और इस तरफ भी जो है ना लोग हैं गंदम की कटाई में मसरूफ हैं। वहां पर ना एक ट्राली खड़ी हुई है,
ये जूम किया, ये आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ये जो है बड़ी मशीन के साथ जो है ना कटाई की गई है, बड़ी मशीन जिसको भड़ोला शायद हमारी जुबान में पंजाबी में कहते हैं, उसमें दाने जमा होते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शाम की जाने शुरू हो गई, यानी कि इफ्तारी का टाइम हो चुका है, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबके रोज़े जो रोज़ेदार हैं उनसे कबूल फरमाए। अभी आपने देखा कितनी धूल है जहाँ पर, देखा आपने, बहुत ज्यादा धूल है, धूल। ये मशीन जो है ये इकट्ठा करती है भूसा, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये भूसा ये इकट्ठा करती है, ठीक है, ये जो है इसको तूड़ी बना देती है, यानी कि बिल्कुल ही भूसा बना देती है, जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अच्छा, वेपर काट काट के ये लाइने लगाता जा रहा है और ये लाइने उठा उठा कर भाग रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, ये बांध रहे हैं गंदम को इकट्ठे करके, ये देखें, ये इकट्ठे करके उठाते हैं, ऊपर रख देते हैं, फिर इसको गांठ बांध देते हैं। हाथ हिला दो, प्रैंक हो गया, प्रैंक हो गया, कैमरे में देख के हाथ हिला दो। मैंने भी देख लो, मैं भी वीडियो बना रहा, ठीक है, परेशान नहीं होना। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि तुहानू आज दी वीडियो बड़ी चंगी लगी होनी है, तो इस दे नाल अल्लाह हाफिज़, ओके, गुड बाय।